दोस्तों यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपका जो सीरियल नंबर है वो मिसमैच हो जाता है, यानी कि इनवॉइस में जो सीरियल नंबर आपको दिखता है और प्रोडक्ट पे जो सीरियल नंबर दिखता है वो मिसमैच हो जाता है, अलग अलग दोनों पे सीरियल नंबर रहता है, तो आपको ऐसे में क्या दिक्कत हो सकता है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए सारा कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। देख सकते हैं एक भाई साहब जो है वो वॉशिंग मशीन परचेज किए हैं जिनका इनवॉइस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और देख लीजिए इस प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का सीरियल नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है जो कि दोनों अलग अलग है सीरियल नंबर। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या दिक्कत हो सकता है, तो दिक्कत तो ये होगा दोस्तों कि हर प्रोडक्ट का वारंटी या फिर गारंटी होता है। जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं और आपका जो इनवॉइस मांगा जाता है और प्रोडक्ट दोनों का सीरियल नंबर मैच करवाया जाता है, यदि मैच कर जाता है तब आपका प्रोडक्ट जो है अंडर वारंटी होता है या अंडर गारंटी होता है, यदि मैच नहीं करता है तो आउट ऑफ वारंटी हो जाता है, यानी कि आपका जो वारंटी का जो सर्विस है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, तो आपको इनवॉइस और जो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है वो दोनों को मैच करके देखना चाहिए कि मैच करता है या नहीं। यदि मैच नहीं करता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और कॉल करने के दौरान आप बताइए कि क्या क्या आपको परेशानी हुआ है और आपका जो इशू है वो सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके मन में कोई डाउट है टेक से रिलेटेड तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।